में डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। उनकी तरफ से डीसी दफ्तर के सभी कार्यों को ठप कर दिया गया, जिससे वहां काम करवाने आए गए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का इस दौरान कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर काफी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। वहीं प्रदर्शन के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का इस दौरान सामना करना पड़ा। क्यों आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हो? पंजाब सरकार वालों मंगा चल रही हैं, जिवें तुहानू पता ही है साढ़े डीसी दफ्तर च स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उस तो बाद साड़ियाँ जिहड़ी डीए की किश्त है वह भी काफ़ी समय तो रुकिया हुई हैं, जिहड़ी साड़ी पुरानी मंग जिहड़ी चलती आ रही है 2004 तो जिहड़ी पेंशन स्कीम आ वह बहाल करन संबंधी सरकार नू असी काफ़ी बार मंग पत्र दे चुके हैं, काफ़ी बार स्ट्राइक कर चुके हैं। सरकार ने इलैक्शन तो पहला साड़ी स्टेट बॉडी नाल एक मीटिंग की सी, जिस विच उन्होंने सानू भरोसा दिता सीगा कि इलैक्शन दीआं चोणां समाप्त होण तो बाद ही ताड़ियां जिहड़ियां सारियां मंगां मन लईआं जाणगीआं, पर साड़ियां सरकार ने मंगां ना मंदे होए सानू इगनोर कर दिता। IAS अफसर अते उपर मंत्रियां दे MLA दे पत्ते वधा दित्ते गए। असीं फिर सरकार ने एक अल्टीमेट दिता वी साड़ियां जिहड़ियां मंगां तुसीं कहा सीगा वी उहनूं मन्निआ जावे, सरकार ने नहीं मन्निआ। असीं 3 तरीक नूं हड़ताल कीती सी, उस तो बाद 4 तरीक नूं सरकार नूं 14 तरीक का अल्टीमेट दिता सीगा वी साड़ियां मंगां मन्निआ जाण, जे साड़ियां मंगां नहीं मन्निआ जांदियां तां 14 तरीक तो बाद असीं अनमिथे समें लई हड़ताल दे चले जांदे हां। जो भी लोगों नूं परेशानी आ रही है उसकी जिम्मेवार खुद पंजाब सरकार होवेगी, इसलिए असीं मीडिया नूं बेनती करते हाँ साड़ी जिहड़ी आवाज़ आ वह सरकार तक पहुँचाई जाए, जिहड़ियां साड़ियां मंगां हन वह तुरंत मनाईआं जाण। साड़ी एक मंग है कि DA दी किश्तां साड़ियां पेंडिंग हुई हैं, नंबर 2 साड़ा पे कमीशन है, नंबर 3 साड़ा स्टाफ बहुत घट आ, एक एक बंदे कोल साडे कोल 4-4, 5-5 सीटां सन। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ? ਮੈਂ DA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਨਤ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਮੇਰੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ। ਵਧੀਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ